जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस। अभी हम आए हुए हैं पटना शहर। आइए यहाँ का हाल देखते हैं, यहाँ पे कैसा सिचुएशन है, लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या क्या तरह की उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। आइए कुछ चंद लोगों से बात करते हैं। समय चल रहा है यहाँ पे, लोगों को किस किन चीज़ों की सुविधाएँ मिल रही है, क्या क्या तरह की दिक्कतें पेश आ रही है लोगों को, वो थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। और यहाँ इतनी गाड़ियाँ चल रही है, क्या ये सरकार ने इजाजत दी है गाड़ी चलाने के लिए? ऐसे सब्जी वब्जी और जितनी भी जरूरत की सामान है वो लोगों को मुहैया हो रहा है? मुहैया तो अच्छी तरह से हो रहा है, सरकार खाना दे रही है लोगों को खाने के लिए डेली? कितने लोगों को इधर खाना मिल रहा है? हजार से 2000 आदमियों को डेली यहाँ पे खाना मिल रहा है। और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से? अच्छा, सरकार बोलते हैं कि सबको पैसा मिलेगा, मुहैया होगा, लेकिन किसी को मिल नहीं रहा है? अच्छा, तो अभी आपने देखा कि हमारी यहाँ पे बात हुई यहाँ के लोकल लोगों में, क्या क्या दिक्कतें आ रही उन्होंने बताया। खाना यहाँ डेली सरकार की तरफ से मुहैया हो रहा है 1000 से 2000 लोगों के लिए। सरकार ने बोला है कि पैसा देंगे वो लोगों को, लेकिन पैसा किसी को अभी मिल नहीं रहा है। ये सारा आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ चल रही है, टैक्सी चल रही है, सारा चीज़ चल रहा है। सरकार के बिना इजाज़त के सारी चीज़ चल रही है। देख करके आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में कितना यहाँ पे हाल है।